हमारे सोनन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और देखिए सोनन न्यूज के वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर। नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी पाल सोनन न्यूज के भाई चखिएगा जरूर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम खड़े हैं उल्लासनगर के 17 सेक्शन के बालाजी टी हाउस में। जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों की चाय के बगैर शुरुआत ही नहीं होती, तो चलिए चाय की बातें करते करते हम अपने कार्यक्रम की भी शुरुआत करते हैं। मालिक से। अंकल आपका नाम क्या है? अशोक, अशोक बालकृष्ण घुड़े। आपका दुकान कब से चल रहा है? ये मैं 18 साल से चला रहा हूँ। आपके दुकान का टाइमिंग क्या है? सवेरे 5 बजे से लेके रात को 11-12 बजे तक। ठीक है, फिर आपके दुकान में कितने प्रकार के चाय बेचते हो आप? ऐसा जैसा ग्राहक को चाय मांगता रहेगा वैसा हम चाय देते हैं। जैसा कोई बोलता है प्योर दो, कोई बोलता है इलायची डाल के दो, कोई बोलता है कितने वाला दो, कॉफ़ी है वो काला है केसरी है, जैसा ग्राहक को पसंद है वो हम सब से चाय देते हैं। ज़्यादा करके आप कौन सी चाय बेचते हो? ज़्यादा करके कितने की चाय देते हैं हम लोग मार्केट में, मोबाइल लाइन में, इलेक्ट्रिक लाइन में, ये सब लोग हमारा कितने का चाय पसंद करते हैं। आप अपनी चाय कैसे बनाते हो हम देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं ना आप, ये देखिए यहाँ पे दूध रखा है। अभी आपने देखा चाय बनाने के तरीके। चलिए अब हम बात करते हैं बालाजी टी हाउस के ग्राहकों से चाय की विशेषताएं। अंकल आप यहाँ की चाय कब से पी रहे हैं? यहाँ की चाय 3 साल से पी रहा हूँ, मैं टिटवाला से आता हूँ और यहाँ की जो मलाई चाय है बहुत फेमस है, 10 रुपये मिलती है। पहले आता हूँ मलाई चाय पीता हूँ, बाद में मेरा जो 17 सेक्शन में काम है वो करता हूँ मैं। आपको इनकी चाय में ऐसी क्या चीज़ पसंद है जो आप इतनी दूर से यहाँ पे इनकी चाय पीने के लिए आते हैं? बहुत फेमस है चाय, बहुत मीठी लगती है, उसमें मलाई डालते हैं, वो 10 रुपये में परवड़ता है। पहले यहाँ चाय पीता हूँ, बाद में जो काम रहे टीवी का वो करता हूँ मैं। 3 साल से पी रहा हूँ चाय। यहाँ की चाय टेस्ट है और पीने में भी अच्छी लगती है और अच्छे से हमको आनंद होता है और चाय में क्वालिटी भी है, चाय अच्छी है इनकी, इसके हम इधर पीने आते हैं। आप यहाँ की चाय कब से पीते हैं? कब हो गए, कम से कम 7-8 साल हो गए। अगर सब इतनी ही तारीफ कर रहे हैं इनके चाय की, तो आइए आज हम चख कर देखते हैं ऐसा क्या स्पेशल है इनके चाय में। Oh, oh, oh.
लोगों को मिलना चाहिए। लोग जितना कहते हैं उससे भी कई ज़्यादा स्वादिष्ट है ये चाय। भाई चखिएगा ज़रूर इस चाय को। जैसे कि आज हमने बात की बालाजी टी हाउस के स्वादिष्ट चाय के बारे में, जो पूरे उल्लासनगर में स्वादिष्ट चाय के नाम से जानी जाती है। तो इसके साथ आज हम विदाई लेते हैं अपने कार्यक्रम भाई चखिएगा ज़रूर। फिर हम मिलेंगे नए एपिसोड के साथ और स्वादिष्ट व्यंजन के साथ। कैमरामैन प्रतीक राठौड़ के साथ भाविनी पाल, सोनन मीडिया उल्लासनगर। हमारे सोनन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और देखिए सोनन न्यूज़ के वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर।